हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीत शिक्षण हिंदी। आई शिवम कुमार वेलकम यू ऑन माय चैनल संगीत शिक्षण हिंदी यूट्यूब चैनल। सो मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे संगीत प्रेमियों का और संगीत चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम विषय पर कि संगीत सीखने के लिए किन रागों का सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप सभी के लिए, और आप सभी के मन में सवाल रहता है कि सबसे पहले किन रागों का अध्ययन करें, कौन सी राग हैं जो जिन्हें हमें सबसे पहले करना चाहिए और जो करने योग्य हैं, आसानी से किए जा सकती हैं और कैसे करनी है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चीज़, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि संगीत सीखने के लिए क्या रागों को सीखना ज़रूरी है। तो देखिए, रागों को सीखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर मैंने ये भी कहा था कि ज़रूरी बहुत है। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी ज़रूरत है और अपनी अपनी क्षमता है कि आप कितना उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, रागों में कितना आप कर सकते हैं, कितना योगदान आप संगीत को दे सकते हैं और संगीत फिर आपको देगा। तो रागों को सीखने के लिए सबसे पहले चीज़ है कि आप, जैसे कि मेरे ट्यूटोरियल्स हैं उसमें हमने बेसिक राग भी कवर किए हैं जिसमें राग परिचय है और बंदिश की स्वरलिपि है, फिर बंदिश का गायन है। तो सबसे पहले जो बेसिक राग हैं उनको तैयार करें, जैसे कि सबसे पहले जाति पर उसके फोकस करें। जाति से मतलब है उसकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में राग है, कहने मतलब है कि उसका आरोह अवरोह कितने स्वरों से बना हुआ है। जैसे कि तीन जातियां प्रमुख हैं, जैसे कि शाडव, संपूर्ण शाडव और औडव, और उन्हीं से ये मिलकर नौ जातियाँ बनी हैं। तो सबसे पहले आप औडव औडव जाति की रागों को कम्प्लीट करें, जो बेसिक राग हैं, जैसे भोपाली है। सबसे पहले भोपाली से शुरुआत करते हैं और शुद्ध स्वरों की रागों को आप लेकर चलें। यमन है, बिलावल है, फिर बिलावल थर्ड की बिहाग है जो औडव संपूर्ण जाति की है। इन रागों को पहले आप अध्ययन करें शुद्ध स्वरों में, क्योंकि हमारे जो गले में स्वर है, जो व्यक्ति गाता है, जिनकी गाने वाले व्यक्तियों की बात करूँगा, सबसे पहले जो हमारे गले में स्वर है, जो व्यक्ति गाता है, वो स्वर शुद्ध स्वर है। हम जो भी स्वर बोलते हैं वो शुद्ध स्वरूप में बोलते हैं, उसके आगे पीछे हम उस स्वरों को बदलते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार, अपने रियाज के अनुसार। क्योंकि जो ब्रह्मांड में नाद घूम रहा है वो सा है, तभी सा और पा अचल है, चल स्वर नहीं है, अचल स्वर है, क्योंकि ये इसका कोई रूपांतर नहीं है। जैसे रे का रूपांतर है, रे कोमल है, गा का रूपांतर है, गा कोमल है, मा का मा तीव्र मध्यम है, धा का कोमल धावत है, नी का निषाद कोमल निषाद है। तो इस तरह से इन स्वरों के 12 स्वर मिलाकर होते हैं पूरे एक सप्तक में। तो इन स्वरों से फिर थाटों की रचना हुई है, थाटों से फिर रागों की रचना हुई, जो उत्तर भारत संगीत पद्धति में नियम है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, तात्पर्य यह है कि आप पहले शुद्ध स्वरों का अभ्यास करें, शुद्ध स्वरों की रागों का अभ्यास करें। जैसे बेसिक राग सबसे पहले भोपाली है, औडव औडव जाति की राग है, सारे गापा दासा सादा पागा रेसा, जो यमन थाट की है, यानी कल्याण थाट की राग है। उसके बाद फिर आप बिलावल करें, शुद्ध बिलावल है, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है उसका, जो मैंने दी हुई है, आगे भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पर आगे अब इंग्लिश में आएगा। फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि अब मैं इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स दूंगा और आज मैं हारमोनियम के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मैं ये बता रहा था कि अब हम बता रहे, जैसे कि फिर बिलावल थाट का राग बिहाग है जिसमें हल्का सा यमन कल्याण की झलक है। तो फिर धीरे धीरे स्वरों में बदलाव आने शुरू होते हैं रागों के माध्यम से। तो रागों का सीखने का माध्यम यही है कि आप स्वरों में निपुणता लाएं। फिर उसके बाद बेसिक राग में जो विकृत स्वरों की राग है, जैसे भैरवी है, उससे पहले भैरव है जिसमें सिर्फ ऋषभ और धैवत कोमल है, बाकी सारे स्वर अन्य स्वर शुद्ध हैं। फिर भैरवी है जिसमें सारे विकृत स्वर कोमल वाले हैं, जो रेगा धानी माँ शुद्ध है। तो फिर धीरे धीरे आप उन रागों को स्टेप बाय स्टेप भरते जाएंगे। फिर उससे पहले आप, फिर जब और हाई लेवल पर अगर आप इन रागों का अभ्यास कर चुके हैं, फिर आप भीम पलासी में आइए, काफ़ी थाट का है, काफ़ी थाट काफ़ी राग को पहले कीजिए। काफ़ी में गंधार और निषाद कोमल है, उसके बाद आसावरी है, उसी थाट क्रम, मेरा जो थाट क्रम जो है वो भी इसी तरीके से, पहले शुद्ध स्वरों का थाट है बिलावल, फिर नी कोमल खमाज, खमाज राग भी है, खमाज राग का भी अध्ययन करें तो उसमें, फिर उसके बाद काफ़ी है, गानी कोमल, जो बेसिक रागे हैं, बेसिक फर्स्ट ईयर की राग जो हैं। उसके बाद फिर आसावरी है, भैरव है, भैरवी है, भैरव है, फिर ये चेंज होते जाते हैं, फिर हायर लेवल की थाट और राग हैं, उन्हीं से जो निर्मित राग हैं।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले आप शुद्ध स्वरों की रागों पर अध्ययन करें, शुद्ध स्वरों की निपुणता लाएं और धीरे धीरे एक एक राग को आप करते चलें, जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ाएं ना। इससे क्या है कि स्वरों में जो गहन अध्ययन होता है या मतलब जो स्वर गहरा होता है वो फिर विचलित होने लगता है कि कभी आपने 5 मिनट राग भोपाली कर ली, फिर 5 मिनट आपने किया भैरवी कर ली या भैरव कर ली, तो ये स्वरों में बदलाव हुआ, फिर आपकी गायकी में बदलाव होगा। एक एक राग को धीरे धीरे आप समझ के चलें, मतलब उस पर वक्त दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा वक्त दें, आप थोड़ा सा वक्त दें और उस पर रियाज करें, बंदिश गाएं, अच्छे से बंदिश गाएं, निपुणता लाएं बंदिश में, इतना हो कि आप बजा कर उसे हारमोनियम पर अच्छे से गा सकें, एक दो तान अलाप गा लें आप, और तिहाई कैसे लगती है, सम कहाँ है, खाली से शुरू हो रही है, ताली से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है बंदिश, ये समझें और उसके आरोह अवरोह चलन को जानें, समय को जानें, रागों की प्रकृति को जानें, इन सब चीज़ों को समझें धीरे धीरे, तो फिर आपको हर एक हायर राग भी आसानी से समझ में आने लगेगी। सिर्फ राग गाने का मतलब ये नहीं है कि आपने राग पकड़ी, आरोवरो गाया और पकड़ गाई और सीधा बंदिश गाना शुरू, नहीं, रागों के स्वरूप को समझें, राग विस्तार करना समझें। अब मैं आगे जो वीडियो आएंगे मेरे उसमें हम यही प्रोवाइड कराएंगे, 4 पार्ट में होगा। जैसे मान लीजिए राग भोपाली का हम ट्यूटोरियल दे रहे हैं, राग भैरवी का दे रहे हैं, तो राग भैरवी का पूर्ण परिचय, फिर बंदिश की स्वर लिपि, फिर बंदिश गायन, फिर राग विस्तार भी होगा ताकि आप रागों को अच्छे से और समझ सकें। उसके साथ साथ आप राग विस्तार गा सकते हैं, आप नोटेशन लिख सकते हैं, मैं धीरे धीरे ही राग विस्तार करूँगा। तो देखिए नोटेशन, काफ़ी लोगों ने हमसे कहा भी है कि नोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सर राग विस्तार, सर राग विस्तार का नोटेशन प्रोवाइड करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि राग विस्तार कभी एक तरीके से हो नहीं सकता, क्योंकि हर दिन आप अगर राग विस्तार करेंगे जब निपुणता आने लगेगी तो हर दिन बदलाव आएगा, हर दिन एक न्यू क्रिएशन होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप सभी के लिए कि राग विस्तार का मैं भी नोटेशन प्रोवाइड करूँ, हालाँकि मैंने हर चीज़ का नोटेशन प्रोवाइड किया है आपकी सुविधा के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को देखें, जानें, समझें और फिर रागों का आप अध्ययन करें, और ये मेरा दावा है कि मज़ा आएगा आपको सीखने में भी और हमें सिखाने में भी और आपको करने में भी, गाने में भी, क्योंकि राग ही सब कुछ आधार है संगीत का मेरी समझ से, क्योंकि संगीत गायन गीतों की रचना, संगीत की रचना रागों के आधार पर होती है, तब वो मधुरता आती है कि भाई ये तोड़ी राग का झलक आ रहा है, पूर्वी का आ रहा है, पूर्या धनाश्री का आ रहा है, दरबारी का आ रहा है, काफ़ी का आ रहा है, यमन का आ रहा है, बिलावल है शुद्ध रूप में आ रहा है, तो भैरवी का झलक आ रहा है, भैरव का आ रहा है, अहीर भैरव का आ रहा है, बैरागी भैरव का आ रहा है, तो ये सब चीज़ें रागों में, मधुबंती का आ रहा है, मुल्तानी का आ रहा है, तो ये सब चीज़ों का मज़ा अलग है, रागों का मज़ा अलग है, रागों की नॉलेज का मज़ा ही अलग है, उसमें आपका रियाज सब कुछ सम्मिलित होता है, क्रिएशंस होती हैं, आप खुद अपने मन से, खुद अपने अंदर आपके अंदर वो जुझारूपन आएगा सीखने का, करने का कुछ नया। ये बाधित नहीं है कि एक सामने वाला व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो आप नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी सर काबिलियत होती है, सबकी अपनी अपनी सीखने की क्षमता होती है, सबकी करने की एक काबिलियत होती है, उसमें उपज अपनी अपनी सबकी होती है। तो उसके साथ साथ तालों का भी विशेष ध्यान रखें, मात्राओं का विशेष ध्यान रखें कि कितनी मात्रा के तार हम कहाँ से गाएंगे, कैसे गाएंगे, ये सब चीज़ें मैंने वीडियो में बताई थी, आगे मैं उसे अच्छी तरह बताऊँगा और मैं अब कोशिश करूँगा कि इसको आगे इंग्लिश में ही प्रोवाइड किया जाए। तो इसी विचार के साथ अब मैं अलविदा लेता हूँ और आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप हमसे जुड़ेंगे, सीखेंगे, और जाते जाते ये भी बोलना चाहूंगा कि आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हमने उसका कैटेगरी डिवाइड की थी, एक बार मैं फिर बता देता हूं, अगर आप सिर्फ वोकल सीखना चाहते हैं तो 1200 रुपये महीने हैं, अगर आप 2 महीने का पे करते हैं तो 2000 रुपये हैं, और अगर आप 3 महीने का पे करते हैं तो 3000 रुपये, इतना अच्छा डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और डेफ़िनेटली आप हमसे अच्छा सीखेंगे, अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी, और आप फिर बाकी आपके ऊपर है आप कितना अच्छा उसे करके हमें दे सकते हैं। और हमसे अभी बाहर के विदेशी लोगों ने भी हमसे संपर्क किया है सीखने के लिए और सीख रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप इंस्ट्रूमेंट के साथ सीखना चाहते हैं तो 1500 रुपये फ़ीस है वोकल की, और इसमें फिर मंथली इस 2 महीने की अगर आप इकट्ठी पे करते हैं तो उसमें आपको 300 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि 2700 रुपये, और उसके बाद अगर आप 3 महीने की इकट्ठी पे करते हैं तो 4000 रुपये, यानी कि 500 रुपये का डिस्काउंट है। उसके बाद अगर आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो 1200 रुपये वही फ़ीस है जो वोकल की है सेम, और फॉर्म भी आ रखे हैं, आप फॉर्म भी हमसे भर सकते हैं, कहीं से भी हों आप, कहीं भी हों भारत में आप फॉर्म भर सकते हैं बेझिझक, आपको फ़ीस का स्लॉट हमने फॉर्म में बताया है। तो 1200 से लेकर 2200-2200 रुपये के आसपास सारी कैटेगरी हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक फाइनल तक, और सारे डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हम सब आपको बता देंगे, आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ नंबर 8006236440, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और डेफिनेटली हम आपके सवालों का जवाब और आपकी जो समस्या है संगीत से रिलेटेड, आपके सीखने से लेकर फॉर्म से लेकर, हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे और अच्छे पैमाने पर,
अच्छे तरीके से आपको संतुष्टिपूर्वक और एकदम सुनिश्चित रूप में आपको वो चीज़ों की पूरी जानकारी, पूरी सहूलियत आपको मिलेगी संगीत से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, संगीत में कैसे करियर डेवलप करें। और आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, आगे हम गाने का फॉर्मेट भी लाएंगे, हम सब मिलकर करना चाहते हैं काम। तो मैं बस इसी आशा और विचार के साथ अब विदा लेता हूं और आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप हमसे जुड़ेंगे और सीखेंगे कुछ, संगीत में करना चाहेंगे अच्छा, तो आप और हम मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। तो इसी विचार के साथ अब मैं विदा लेता हूं। आई होप यू विल लाइक इट। और रागों का अध्ययन करें, रागों को सीखें, रागों को समझें। हमारे भारत का संगीत है, हमारे भारत का मूल स्वरूप है संगीत का, इसे खोने ना दें। रागों को समझें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस रागों में कर सकें। बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करते रहें, ये इसी आशा के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। सो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट और वीडियो को पूरा देखें। मेरा विचार मोटिवेशनल से लेकर संगीत सीखने लेकर सब चीज़ों के लेकर सब दिशाओं में है। तो आई होप यू विल लाइक इट। सो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। लव यू।